हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मेरा नाम वजाहत है, नदीम। तो अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो सजेस्ट करना हो तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे यार लिंक ओपन नहीं हो सकते हैं तो वहाँ पे काफ़ी इशू आ जाता है। तो इंस्टाग्राम पर मैं वीडियोस वगैरह पिक करके वहाँ पे मतलब सिलेक्ट करते हैं हम लोग, इसके लिए आपकी रिक्वेस्ट लाजमी पूरी होगी। तो अभी आते हैं वीडियो के टाइटल पर। तो वीडियो का टाइटल हिंदी में तो हमने ट्रांसलेट किया, तो वीडियो का टाइटल है पापा के मतलब अब भारत में ना, पहले आई थिंक राफेल थे, 4 के 5 थे, समथिंग इसी तरह थे आई थिंक। सो तो अभी इनके आर्मी में मतलब क्या जो भी है 23 आने वाले हैं। 23 आने वाले, पहले 4 थे, 12 थे के 4-5 थे, खबर देखते हैं ना। बहुत ही मतलब अभी ही रिक्वेस्ट किया है हमसे बंदे ने, तो हमने कहा चलो ठीक है इसको हम लोग करते हैं। तो काउंट ऑन करते 3-2-1 एंड स्टार्ट। भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंडो पर है 70 से भी ज्यादा गेम्स, तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम windowgames.com। सही है भाई, कर सकता है डाउनलोड आप लोग। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। हमारे हैदराबाद भी करोड़ों में। चीन पाकिस्तान जैसे धूत और चालबाज पड़ोसियों को सबक सिखाने के लिए भारत लगातार खुद को मजबूत करता जा रहा है, तो और इसी दिशा में लगातार भारत कदम उठा रहा है। अभी तो दोस्ती की तरफ कदम, भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। इसके लिए भारत ने अपनी सेनाओं के लिए ताकतवर और आधुनिक हथियारों की वो खेप खरीदी जिसके आने से दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है, लेकिन इन सब हथियारों से खतरनाक था लड़ाकू विमान राफेल। इसकी पहली खेप तो भारत को जुलाई 2020 में ही मिल चुकी थी, जिसमें कुल 5 राफेल विमान भारत आए थे। अब तक भारत को कुल 11 राफेल लड़ाकू विमान मिल चुके हैं। अच्छा, लेकिन जल्द ही भारतीय वायुसेना की ताकत में और अधिक इजाफा होने वाला है, क्योंकि अगले 4 दिनों के भीतर भारत को 3 और लड़ाकू राफेल विमान मिलने वाले हैं जो अंबाला में लैंड करेंगे, और अच्छा। उसके बाद अप्रैल महीने में 9 और राफेल विमान फ्रांस से भारत आ जाएंगे। अच्छा, इन विमानों के भारत आ जाने से भारत के पास मौजूद राफेल विमानों की कुल संख्या 23 हो जाएगी, जो कि दुश्मनों के लिए एक डरावने सपने जैसा है। नहीं, बहुत ज्यादा है ये तो, बहुत फिर तादाद बन जाती है। आखिरी दिनों में भारत को मिलने वाले इन 3 विमानों को लाने के लिए भारतीय वायुसेना की एक टीम फ्रांस पहुंच चुकी है, जो राफेल विमान को लेकर 30 से 31 मार्च को भारत वापस आएगी। अच्छा, 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। फ्रांस की कंपनी दसा एविएशन से 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत आया। इस बेड़े ने फ्रांस से उड़ान भरने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में हॉल्ट किया था, जहां उसने ईंधन भरा था। राफेल के पहले बेड़े को जब वायुसेना में शामिल किया गया था, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गेम चेंजर करार दिया था। उनका दावा है कि राफेल के साथ वायुसेना ने तकनीकी स्तर पर बढ़त हासिल कर ली है। राफेल नवीनतम हथियारों और सुपीरियर सेंसर से लैस लड़ाकू विमान है। फ्रांस से कुल 36 राफेल मिलने वाले हैं, जिनमें से कई भारत आ चुके हैं और कई आने वाले हैं। इसमें हर सिस्टम मौजूद है। लेकिन रही बात पूरे के पूरे 36 राफेल विमानों के भारत आने की, तो इस पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने अक्टूबर 2020 में बताया था कि सभी 36 राफेल लड़ाकू जेट जो हैं वो भारतीय वायुसेना में 2023 तक शामिल कर लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। लेकिन अभी आई थिंक अभी 23 आ गए, तो क्या पता उससे पहले आ जाए। क्यों बाबा, 23 आ चुके हैं ना, इधर ये वीडियो टोटल 26 आने हैं ना। हां नहीं, टोटल 23 आने हैं। 23 आने हैं, और अभी उसके कितने आने हैं टोटल? 23 है ना। हां,
तो तीन और आएंगे तो 26 हो जाएंगे एग्जैक्टली. तो आई थिंक सो 26 ये अभी जल्दी मतलब कि इनको डिलीवरी हो जानी है वो तो 2 सालों वाली कहानी खत्म हो. ये राफेल बहुत ताकतवर बजा दें इनके बाबा, इनमें ये बहुत सिस्टम है जो और जेट तैयारों में नहीं है. नहीं है चाइना, ये पापा चाइना से भी ना ज्यादा पावरफुल है. चाइना के पास जितने भी जहाज है ना उनसे ज्यादा पावरफुल ये है. चाइना की और फ्रांस की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का भी फर्क. जाहिर बात है चाइना कॉपी करके बनाता है, फ्रांस खुद चीज बनाता है. और इंडिया ने हाथ भी ऐसी चीज पे रखा है कि जो मतलब के जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं. वो पैसा लगाते हैं ना ऐसी चीज पे जो जाया ना हो. सही बोला है. वो और मुल्कों से भी चीज खरीद सकते हैं, कोई मसला नहीं है. मगर वो चीज पे पैसा लगाते हैं जो पैसा ना जाया हो. और ये भी दफा का मसला है ना. वो ऐसे तैयारे खरीद है जो ऊपर ही जाके फुस हो जाए. क्या फायदा चाइना में ना के हो या और किस मुल्क के हो. फ्रांस के जहाज बहुत ताकतवर और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत दुनिया में मशहूर है. बिल्कुल पापा, इंडिया ने भी यही कदम उठाया है कि फ्रांस से चीजें लेना. बिल्कुल, वो भी दफाई. वो और पापा ये फाइटर जेट बहुत बिल्कुल सही बोला है आपकी बात, मैं एग्री करता हूँ. इंडिया बड़े अच्छा मतलब के स्टेप लेता है इन चीजों में. क्यों इतना ज्यादा हजारों करोड़ की हजारों करोड़ की ये डील है. हाँ. तो जाहिर बात है और इंडिया को अभी फाइटर जेटों की जरूरत भी, इनकी कमी आ रही है कुछ थोड़ी बहुत, तो इन्होंने पूरी भी वो करनी है. और काफी अच्छा मुझे लगा है कि मतलब कि बस 31 मार्च को मतलब और मतलब 10-12 और लड़ाकू विमान आ जाएंगे. बिल्कुल 23 आ जाएंगे ना. तो ये बहुत अच्छा स्टेप है. इंडिया की जो फजाई मजबूत हो जाएगी बहुत. और जैसे मीडिया ने बोला पाकिस्तान और चाइना में, अभी तो पाकिस्तान और इंडिया का कुछ करते करते अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं. मोदी जी ने अच्छा कदम उठा दिया है दोस्ती की तरफ. कदम है मोदी जी का पहला. अभी उन पाकिस्तानी भी इंशाल्लाह जल्दी कदम उठाएंगे तो दोस्ती में बदलेगी. कोई शक नहीं बाबा जी, कोई शक नहीं. और इसका क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने भी स्टेप उठाए हैं दोस्ती के और इंडिया ने भी फिर उठा दिए, तो मैं कहता हूँ मजा आ गया. बिल्कुल. और उम्मीद यही करते कि आगे अच्छा. मीडिया वाले खैर कहते रहते हैं, इनको कहने दें, इनकी बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए. लेकिन ये है कि इंडिया के राफेल जब अभी आने वाले हैं, कसम से मैं एक लिहाज से खुश हूँ कि एकदम आ रहे हैं सारे, क्योंकि वो थोड़े थोड़े करके वो मजा नहीं आता. लेकिन एकदम ही मतलब साल के अंदर अंदर ही मतलब 23 लड़ाकू विमान आ चुके हैं. मतलब अभी 31 को आ रहे हैं. फ्रांस इतने जल्दी देता किसी को भी नहीं है, ये इस पे टाइम लगता है. लेकिन इंडिया को टाइम फौरन दे रहे हैं, पहले दे रहा है और फौरन दे रहा है. बिल्कुल फ्रांस की है दोस्ती इंडिया वही ना जाए. और पापा अगर अभी टाइम से पहले देगा ना, कल को इंडिया और भी अगर चीज का ऑर्डर देना होगा तो देगा. सही बोला आप. बिल्कुल. तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत बहुत ख्याल करना. तो बाय.